हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हम बैठक में आर्मी चीफ और DGISI भी शरीक। आज न्यूज समेत दीगर न्यूज चैनल्स की मुल्क भर में नशरियात बहाल होना शुरू। पेमरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, तमाम चैनल्स को गाइडलाइंस भी जारी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्क में कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा, कहते हैं हुकूमत हर कीमत पर शरीफों की करप्शन छुपाना चाहती है। हसास मामले को जानबूझकर छेड़ा गया, हुकूमत ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था। पीपल्स पार्टी का मौजूदा सूरत हाल में जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ खड़े होने का ऐलान, अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तश्वीश है, आयन और कानून के मुताबिक बातचीत से मामला तय होना चाहिए, जमहूरी ताकतों को कतई कमजोर नहीं होना चाहिए। फैजाबाद धरना बदस्तूर जारी, जुड़वां शहरों को मिलाने वाले रास्ते बंद, अवाम की परेशानी आज भी बरकरार, शदीद मुजाहमत के बाद मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन ताहल मौतल। फैजाबाद में रेंजर्स फ्रंट लाइन पर मौजूद, इस्लामाबाद में हसास मकामात की हिफाजत के लिए फौज तैनात। ऑपरेशन के बाद एहतजाज मुल्क भर में फैल गया, लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर एहतजाज, गुजरात मुल्तान शेखपुरा हाफजाबाद समेत कई शहरों में जिंदगी मफलूज। कराची के मरकजी शाहराहों पर धरने से निजाम जिंदगी मफलूज, नुमाइश चौरंगी शराय फैसल नागर चौरंगी पर भी एहतजाज, सुपर हाईवे पर भी धरना, माल बरदार गाड़ियों की कतारें लग गई, अंदरूने मुल्क सामान की तरसील बंद। हैदराबाद सक्खर लारकाना ठट्टा उमरकोट समेत अंदरूने सिंध के कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी धरने, पिशावर में रिंग रोड पर मुजाहिरीन मौजूद। एहतजाज के बाद कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक के बहाव में तातुल, ट्रेनों का शेड्यूल भी शदीद मुतासिर, कई कई घंटे ताखीर का शिकार, गुंजरावाला में मुजाहिरीन का रेलवे ट्रैक पर धरना, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। अमन अमान की मौजूदा सूरत हाल पर जामिया कराची में कल होने वाले तमाम इम्तहान मुलतवी, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का स्कूल्स बंद रखने का फैसला, लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे पीर और मंगल को बंद रहेंगे, इस्लामाबाद में भी कल प्राइवेट स्कूल्स बंद करने का ऐलान। सऊदी अरब में इस्लामी ममालिक के फौजी इत्तेहाद का पहला इजलास, इत्तेहाद किसी मुल्क या फिरके के खिलाफ नहीं, मुस्लिम इत्तेहाद का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ इकदामात उठाना है। इफ्तिताही तकरीब से साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ का खिताब, वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और लंदन एक बार फिर खतरे में, दाइश का क्रिसमस सीजन के दौरान हमले का ऐलान, सोशल मीडिया पर धमकी आमेज तस्वीर भी जारी कर दी। जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल का तनाजुर है उसके हवाले से अहम फैसले भी किए गए। इनफैक्ट ये एक तो वन ऑन वन मुलाकात हुई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान, इसके साथ साथ सिक्योरिटी मामलात पर एक बड़ा इजलास भी हुआ जिसमें DGISI चीफ मिनिस्टर पंजाब कुछ वफाकी वज़रा भी मौजूद थे। आर्मी चीफ की मुलाकात के दौरान एक तो आर्मी चीफ ने ये तजवीज़ पेश की कि न्यूज़ चैनल्स को
उन पर पाबंदी खत्म की जाए और नशरियात खोली जाए जो कि जिस पर अमल दरामद भी हो चुका है। दूसरा जराए के मुताबिक आर्मी चीफ ने वादे किया कि पाकिस्तान के लोग अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं और अपने लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एक बार फिर आर्मी चीफ की तरफ से ये मामले पर बात की गई कि इस मामले का जो कि यकीनन फैजाबाद में धरने के हवाले से है उसका एक पुरअमन हल तलाश किया जाए। और ज्यादा जरा यही बता रहे हैं कि अब दोबारा धरने वालों से हुकूमत मुदाकरात कर सकती है। साथ साथ उन्होंने आर्मी चीफ ने ये भी वादे किया कि आर्टिकल 245 के तहत जो ये सात मकामात हैं, सेंसिटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, आइन के मुताबिक फौज यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करती रहेगी और इस सिलसिले में जब पुरअमन तौर पर इस मामले को हल करने की बात की गई तो जोर दिया गया कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है गुज़श्ता दो दिनों के दौरान मुल्क का इसमें जो इमेज है, मुल्क की साख है, वो सख्त मुतासर हुई है। ठीक, अच्छा शौकत पर अच्छा सबसे ही आम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की है और एक और ये अहम मुलाकात हुई है जो कि आर्मी चीफ ने अभी मुलाकात की है, उसमें यही कहा गया है कि मुज़ाकरात के जरिए बातचीत की जाए। अब क्या लग रहा है कौन मुज़ाकरात करेगा, एक दफ़ा फिर से ये मुज़ाकरात का सिलसिला कैसे शुरू होगा, कहाँ से बात शुरू करेंगे और फिर इन तमाम मुज़ाहरीन को कैसे ये एतमाद में लेंगे कि उनके तमाम जितने भी मुतालबात हैं वो मान लिए जाएंगे या फिर बीच की कोई राह निकले? देखिए, एक तो क्लियर हो गया कि ताकत का इस्तेमाल अब नहीं होगा। ठीक, वो दोनों साइड्स यानी धरने वालों पर भी वाजे हो गया कि आर्मी चीफ आए हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान के आवाम की मोहब्बत है, जिसमें ये पाकिस्तान की आवाम में धरने वाले भी शामिल हैं, पाक फौज से जो मोहब्बत है उसके तनाजुर में वो चीज सामने नहीं लाई जा सकती जिसे मारपीट ताकत का इस्तेमाल कहते हैं। दूसरा, इस मुलाकात में राजा दफर लाख कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट भी सामने लाने पर बातचीत की गई और वजीर आजम ने जराए के मुताबिक ये वादे किया कि कोशिश करेंगे कि राजा दफर लाख की रिपोर्ट वो भी मंजर आम पर ले आए। फिर जो बात है कि बातचीत कैसे होगी, पहले भी डायरेक्ट कम बातचीत हुई है। पीरा गोलड़ा शरीफ दरमियान में आए थे, पीरा फीजा शरीफ दरमियान में आए थे, उनके जरिए एक डेलीगेशन बना था, उलमा का डेलीगेशन था, वो पहले भी बातचीत करते रहे। तो बातचीत की अगर विलिंगनेस हो और पॉलिटिकल विल हो बातचीत के लिए तो चैनल बहुत होते हैं। लेकिन शौकत, ठीक है हुकूमत की जानिब से पॉलिटिकल विल होता है, लेकिन धरने वाले अगर अपनी उसी बात पर कायम रहते हैं कि हर सूरत हमें इस्तीफा ही चाहिए है, वफाकी वजीर कानून का, हुकूमत भी टस से मस नहीं होती है, तो फिर मुज़ाकरात किस तरीके से होंगे? जैसे पीर ऑफ गुलड़ा शरीफ की आपने बात की, वो मुज़ाकरात भी इसलिए नाकाम हुए कि धरने वालों ने कहा कि हर सूरत ज़ाहिद हामिद इस्तीफा दें। जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो कुछ ऐसे भी हिंट्स आए थे कि उन्होंने इस्तीफे से थोड़ा सा पीछे हटने पर रजामंदी का इजहार किया था और कहा था कि चले वो वजीर तो रहे लेकिन जब तक ये तहकीकात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक वो अपना काम जारी ना रखें। मैं वही बात कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात फिर मुज़ाकरात फिर मुज़ाकरात, ये मुज़ाकरात के ही मुख्तलिफ जो चैनल्स होते हैं और अदवार होते हैं, बहुत सारे मुज़ाकरात के बाद ही जाकर इस तरह की सूरत हाल से बाहर निकला जाता है। अब तो एक बात क्लियर हो गई ना कि ऑपरेशन नहीं हो सकता, लिहाजा धरने वालों को उस चीज का डर भी नहीं रहा कि कल को मारपीट होगी। एक बार उन्होंने देख लिया, शेलिंग हुई वहां पर और वहां पर अनफॉर्चुनेट जो वाकयात हुए दोहराना नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर मुज़ाकरात होंगे, आर्मी चीफ तजवीज देकर जा रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, तो जाहिर है धरने वालों पर ये तो एक्सपेक्ट होगा ना कि मुल्क की एक मुतबर शख्सियत जो कि पाकिस्तान फौज की सरबराह है, जिनका नाम जनरल कमर जावेद बाजवा है, वो भी मुज़ाकरात की बात करके गए हैं, तो धरने वालों पे एक टेक्नोलॉजिकल तो ये जरूर रहेगा ना कि आर्मी भी चाह रही है मुज़ाकरात हो। और यही बात कल DGISPR के ट्वीट में भी आई थी कि पीसफुली इस चीज को हैंडल किया जाना चाहिए क्योंकि इससे मुल्क की साख भी मुतासर हो रही है, बैरून मुल्क और जो अंदरूनी हम आहंगी है वो भी खराब हो रही है। तो एक ये इस तरह के जो प्रेशर होते हैं वो काम कर जाया करते हैं। ठीक, अल्टीमेट अच्छा, तो मुदा
जी शौकत पर आचा, DGISPR की बात की जाए, आर्मी चीफ की बात की जाए, तो ये लोग तो यही कह रहे हैं कि डायलॉग के जरिए मामलात को हल किया जाए, लेकिन अगर इस धरने को आप पहले दिन से लेकर आज तक देखें तो इसमें हमें लगता है कि वाकई में मुजाकरात की बहुत कमी रही है, हुकूमत की कुछ नाहली भी शामिल रही है कि मामला यहाँ तक पहुँचा। और जब अब इतना तसादुम हो गया है, धरने वालों पर ये परसेप्शन भी जा चुका है कि जी ऑपरेशन नहीं होगा, तो उस हवाले से अब क्या लगता है कि धरने वाले भी अब कुछ बातचीत जो है वो मान जाएंगे, कुछ उनकी दिल में भी कुछ नरमी पैदा होगी, मुजाकरात अब कामयाब हो जाएंगे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस और उनके ऑर्डर भी आपके सामने हैं जी, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जो है वो है ना प्रेशर, वो धरने वालों पर भी है, वो गवर्नमेंट पर भी है, और फिर ये भी एक प्रेसिडेंट सेट होना है कि कल किसी और वजीर के खिलाफ अगर किसी को शिकायत है तो वो भी एक जत्था बना के आ जाए और वो आकर वस्तीफा मांगे और बिल्कुल वहां से ना उठे। कल किसकी हुकूमत आनी है, कल कौन सी पार्टी इकतदार में आनी है, लेकिन प्रेसिडेंट फिर सब के लिए बन जाता है। सही बात। और पहले पीपल्स पार्टी की दौर में आए थे डॉक्टर ताहिर अल कादरी, चले मुदाकरात हुए, मुदाकरात के बाद वो चले गए, फिर नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो ये दोनों पार्टियां यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ ये आके धरना दे के बैठ गए, लेकिन ना वो डायलॉग से खत्म हुआ ना वो कोई किसी एक्शन से खत्म हुआ, बल्कि वो एक अनफॉर्चुनेट वेरी अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ पिशौर वाला जिसके बाद वो खत्म हुआ। अब ये तीसरा उस सिलसिले ठीक है। शौकत आपसे मजीद भी बात करते हैं, आसमा शिराजी ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। आसमा, अब चैनल्स खोलने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं, मुल्क के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर अब चैनल्स बहाल हो गए हैं, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ और वजीर आजम की जो बैठक हुई है उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं, और जैसे कि शौकत बता रहे हैं कि सबसे अहम फैसला ये हुआ है कि ताकत का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होगा, मुजाकरात से ही ये मसला हल होगा। जी, अगर ताकत का इस्तेमाल नहीं है और हुकूमत मशवरों पे चल रही है पिछले 48 घंटों पे, तो फिर आर्मी चीफ को बता देना चाहिए था, मशवरा देना चाहिए था कि इनको उठाना कैसे चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल भी इस वक्त जो हो रहा है ना, ये एक बहुत ही बड़ा तमाशा हो रहा है और इसमें रियासत की नाकामी है, भले उसमें कोई भी आता है। हुकूमत ने तो अपनी बेवकूफियाँ की हैं और बहुत ज़्यादा बेवकूफियाँ की हैं, लेकिन आईन के अंडर एक इदारा है जो कि आर्मी का है, और अगर उनको ऑर्डर गए थे और उन्होंने आगे से मशवरा दिया है तो अब वो ये मशवरा भी जरूर दें कि उनको कैसे उठाया जाए जो कि वहां पे बैठे हुए हैं। और सिर्फ ये नहीं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में कुछ जो बहुत सेंसिटिव जगह हैं वहां पे डेढ़